5 o'clock in the morning. कल रात को जो नींद आई ना बस 4 घंटे के लिए सोया बस अभी सब पैक करके निकलने का तैयारी चालू है. आज फिर से 800 किलोमीटर चलाना है बस. आज टाइम वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज अगर आज टाइम वेस्ट किया तो फिर नेपाल जाने के लिए पूरा डिले हो जाएगा. सो आज कैसे भी करके नेपाल बॉर्डर तक पहुँचना है. बॉर्डर से पहुँच पाएंगे आज पहुँचने कुछ भी करके पहुँचने का. तो बॉर्डर के पहले तक आज राइड बहुत हार्ड कोर करेंगे बिकॉज यू कांट अफोर्ड डे थ्री डिले हुआ तो फिर और एक दिन छुट्टी मारना पड़ेगा. कल रात को भी काम कर रहा था मैं इधर लेट गया ऐसे. अबे कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है भाई. यूटर्न लेने नहीं मिलेगा. उसको उसको जगह दे. स्पेन में आ गए ऐसा लग नहीं लग रहा तेरे को. अरे यार अभी यूटर्न कहाँ से लूँ. नहीं ठीक है आगे से लेता हूँ. ये देखो कहाँ पे अटक गया है. नहीं निकल जाएगा. गूगल आंटी फंसा दिया. हाँ जहाँ से बैल घुस पाएगा उधर का भी रोड बता दिए. पुलिस आए थे ना ब्रिज के ऊपर से बोला. ऊपर से रहेगा. ऊपर से ना आ जाओ. जैसे झांसी कितना है 200. बाइक पर बैठ के अच्छा लग रहा है वापस सुबह सुबह. अच्छा ठीक है कोस्टल रूट. अरे क्या सही दिख रहा है. एक नंबर. क्या जगह है बॉस. ये देख पेड़ कैसे बीच में आ गया. फाइनली वॉन्डरसन को एक जगह मिल गई ड्रोन उड़ाने के लिए. और बॉस जो व्यू आ रहा है ना यहाँ से अमेजिंग. वहाँ पे जो पहाड़ है ना वो इधर से ऐसा दिख रहा है बट ड्रोन में कुछ अलग ही दिखता है बस. क्योंकि शंकर जी का क्या हुआ क्या शंकर जी का मंदिर है. कहाँ उसके अंदर. अच्छा पहाड़ में मछली पकड़ रहे थे. क्या कर रहे थे. मछली पकड़ी है. जाओ गिन्नू और मैंने कहा आप वो भाई जाओ पापा. एक मिनट एक आइडिया है मेरे को. भैंस को पीछे से ऐसा मक्का लेके आता था जब मैं सोच रहा था मेरे भैंस भागती हुई आएगी तो बस उनको फर्क नहीं पड़ता यार. There is some issue with my helmet. You know, visor बंद होने के बाद भी जब हम इंटरकॉम पे बात करते हैं तो उनको विंड नॉइज सुनाई दे रहा है. वैसे भी मेरे हेलमेट में विंड तो बहुत जाता है बट
और पहले वंडरसन के साथ तो विंड नॉइस नहीं आता था, बट जैसे हम तीनों कॉन्फ्रेंस में कनेक्ट करते हैं इंटरकॉम से तो दोनों को विंड नॉइस बहुत बहुत ज़्यादा आता है। सो आई टू डू समथिंग अबाउट दैट। एक चीज़ हमने की है कि जो मेरे वाइजर का एंड है पूरे वाइजर के एंड को सेलो टेप लगा दिया है, सो दैट वो जो अगर कुछ गैप रहे तो फुल करे, बट उसे थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है नॉइज़ बट पूरी तरह से नहीं। बैठे यूपी वालों तुम्हारा गांव तो बहुत बढ़िया है, सिर्फ पूरी हरियाली और बहुत सारे भैंस गाय दिखेंगे। ओ शिट, लुक एट दिस, ओ नो, किसी ने तो ठोक दिया रे। गाय का नाम लिया नहीं, अरे क्या ये अभी मैं उसको ठोकता था बट मेरे लिटरली अच्छा हुआ स्लो स्पीड किया था, नहीं तो उसे तो ठोकने वाला था बिकॉज मेरा पीछे वाला टायर पूरा स्पिन हो रहा था, पूरा घिस गया है वो रोड को। ये देखो ऐसे ही बीच में से आ जाता है, डर लगता है, बट उसको किसी ने ठोका और दैट वॉज बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको नहीं समझता बट वी नो दैट वो आएंगे, वो रोड क्रॉस करेंगे, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। उनको नहीं समझता इतना कि कब क्रॉस करना चाहिए, किधर खड़ा रहना चाहिए। सो गाइज प्लीज़ जब भी ड्राइव करो बी केयरफुल एंड बी काइंड टू एनी एनिमल इन दिस वर्ल्ड। पूरे 62 किलोमीटर फ्रॉम है कानपुर, अभी आ जाएगा शायद एक घंटे में। टिल नाउ 470 किलोमीटर डन फ्रॉम विदिशा। बाकी राइड इज गोइंग ग्रेट, कोई तकलीफ नहीं है बिकॉज रोड बहुत अच्छा है, बस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं कहीं से भी कैसे भी बिना देखे, तो वो तो देखते नहीं तो हमें देखना पड़ेगा। सो दैट इज़ द ओनली कंसर्न, बी केयरफुल ऑन दिस रोड इफ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू यूपी। 44 किलोमीटर फ्रॉम हियर लखनऊ 115, तो हमें लखनऊ हो कानपुर हो गए लखनऊ जाना है, दैट इज़ 115 तो होने वाला है आई थिंक, हो जाएगा। मैं तो कानपुर में ही होल्ड होगा टी ब्रेक, लेट्स सी, क्योंकि रोड तो बहुत अच्छे है अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओ दिस इज़ अ हाईवे, कानपुर हाईवे ना, अभी स्पीड बढ़ने वाला है आगे जा जाके। सो दिस इज कानपुर हाईवे, आगरा कानपुर आई गेस, आई एम नॉट श्योर बट या अभी स्पीड बढ़ेगा, अभी मज़ा आएगा। फाइनली, बट ये भी रोड अच्छे ख़राब नहीं थे, ये भी अच्छे ही थे, बट दिस इज़ 4 लेन रोड, लाइक लुक एट दिस, 6 लेन रोड, आई एम सॉरी दिस इज 6 लेन रोड एंड अभी तो 120 के ऊपर ही भगाने वाले हम लोग, तो उम्मीद है जल्दी पहुँचने की और जल्दी पहुँचना भी चाहिए। चलो फिर भगाते हैं, पहले एक चाय ब्रेक हो जाए बस, थोड़ी स्ट्रेचिंग भी करनी पड़ेगी यानी मेरे नी पैड्स पैंट में से अभी तक उन्होंने वो शेप नहीं लिया, अभी तक मेरे बॉडी को ऑब्जर्व नहीं किया है तो घिस रहे। कानपुर इज 20 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, नाउ वी आर लुकिंग फॉर टी शॉप, टी ना चौहान ढाबा मिल गया, एक टी शॉप तो मिल गया। ये तो ढाबा है, ओके है यहाँ पे। टिल नाउ वी हैव कवर्ड 518 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर तो कवर हो गए, अभी थोड़ा रुक के फिर डायरेक्ट लखनऊ ही स्टॉप होगा। कानपुर बीसी है ना, अभी 20 किलोमीटर है ना कानपुर, हाँ अभी कानपुर शुरू से
अच्छा बायपास करून जाणार हे कानपूर केव्हा तो सुरू झालंय ते सिटी बहुत बड़ा कानपूर अच्छा कवर हो रहा है तीन घंटे सवा तीन घंटे में 220 किलोमीटर है हाँ रोड मस्त है अभी का तो ये सही है फिर अभी का सही रहेगा कानपुर लखनऊ यमुना है क्या पता नहीं नटीन है डिस्टेंस कवर हुआ है लगता तो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे बट आगे रोड का पता नहीं है तो बोल नहीं सकते हेड टी ना सो अभी आधे घंटे का तो ब्रेक हो गया सो अभी निकलना पड़ेगा ये आरवी मोटो लॉग्स ने मैसेज किया था मुझे कनौज में होते तो वहाँ का परफ्यूम बहुत फेमस है हाँ मोटो लॉग्स आरवी मोटो लॉग्स होते तो परफ्यूम ज़रूर लेते बट क्या करें ना अभी आगे जाना है तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब पक्का वाराणसी इज 340 फ्रॉम हियर वाराणसी जाएंगे नहीं उसको बाईपास कर देंगे बट सीधा लखनऊ एंड देन गोरखपुर लेट्स सी गोरखपुर डिस्टेंस कब तक कवर कर पाते हैं हम लोग सो इलाहाबाद वाराणसी गोज टूवर्ड्स राइट वी हैव टू गो टू लेफ्ट टूवर्ड्स लखनऊ लखनऊ इज 81 किलोमीटर्स मोर टू गो एंड दिस लेफ्ट गोज टू कानपुर सिटी सो हमें स्ट्रेट जाना है This is Kanpur City, guys. This road goes to Kanpur City. I don't know, main kabhi gaya nahi. This is my first time when I am entering this MP and UP. But I heard that Kanpur is very beautiful. I don't know. If anyone watching from Kanpur, please let me know in the comment section क्या famous है आपके यहाँ पे एक तो पता चल गया perfume जो RV rider ने बोला था 81 kilometers कब complete होगा एक घंटे में होना चाहिए अठारह मतलब 13 14 15 16 17 18 सात बजे सात 8 बजे तक लखनऊ एंड वहाँ से कुछ है 200 किलोमीटर 250 मतलब 250 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए लगेगा 3 से 3.5 घंटा 3 to 3.5 hours सो 9, 10, 11, 12, 12:30 तक एस्टिमेटेड टाइम है पहुँचने का पहली बार ट्रैफिक जाम लगा है क्या है ये
गॉड ऐसे ट्रैफिक रहा था कब पहुँचेंगे पता नहीं। कैसे तैसे करके वो ट्रैफिक में से निकले बस, बहुत गंदा ट्रैफिक था। अभी ये रास्ता पूरा साफ है, पूरा क्लियर है। नाउ वी आर हेडिंग टू आवर डेस्टिनेशन। देखो गाइस लखनऊ का रिक्शा तो भारी है ना। लखनऊ सिटी में आ गए, अभी इसको बाईपास करेंगे। स्टॉप टू कनेक्ट इंटरकॉम, मेरा चार्ज नहीं था तो थोड़ा चार्ज पे लगाया था, सो अभी वापस चार्जिंग करके वी ऑल सेट टू गो। बट यहाँ से और 280 किलोमीटर जाना है हमें, बट अभी हुआ 8, सो पॉसिबल है 12 के बाद ही पहुँचेंगे, बट बिकॉज बहुत टाइम लगने वाला है, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। 280 है, 280 कोकरा जाने के लिए 280 ना, गोरखपुर से बॉर्डर इज 90 किलोमीटर, हाँ उसके बाद कोकरा, अब बॉर्डर ही जाना है ना, बॉर्डर ही जाना पड़ेगा ना, वो सब चेकिंग वगैरह करना पड़ेगा। अगर हम आज भी कुछ करते तो कल भी हमको ऑलमोस्ट, तो कल कोकरा जाना पड़ेगा, 6-8 किलोमीटर चलाना है, 6-8 घंटा चलाना है, तो वो पता नहीं ये भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अपन अभी इतना चला रहे तो बॉडी को ये हो गया है, अभी तो कुछ है नहीं हो रहा है। हाँ कुछ नहीं लग रहा है अभी, वी कैन वो हाँ देखेंगे टाइम के हिसाब से कैसे कॉल देख देखियो, क्योंकि 2 बजे अपन अगर होटल पहुँचेंगे पोखरा के लिए अपने को सुबह निकलने का, सोएंगे कब, अरे सामान निकलने इसमें ही टाइम चला जाएगा। ओके सो व्हाट वी डिसाइडेड इज टू गो टिल गोरखपुर, एंड गोरखपुर कितने बजे पहुँचते हैं उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि गोरखपुर रुकना है या फिर डायरेक्ट बॉर्डर जाना है, लेट्स सी अभी क्या होता है। All depends on the time that we reach Gorakhpur. I wish jaldi se jaldi pahunch jaye, but impossible lagta hai thoda. Let's see. यूपी की गलियों में राइड करते हुए, ओहो कंस्ट्रक्शन तो देखो बस, ये राइट में कुछ मंदिर है, वाओ वाओ, और वो रहा चांद जिसकी मैं बात कर रहा था, कितना यहाँ से कितना नज़दीक और ब्राइट दिख रहा है, अपने यहाँ से इतना अच्छा नहीं दिखता, वाओ। ऐसा लग रहा हम वो मून को चेस करने के लिए जा रहे हैं, एंड ये रोड आखिर में उधर जाके ख़त्म होने वाला है। फॉग जोधपुर की ओर, दिस इज रियल फन, दिस इज रियल एडवेंचर। जोधपुर की याद आ गई भाई, जोधपुर टायर वाला जिसमें फूट ही डाल दिया।